हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फैसला, इमरान खान के खिलाफ अपील मुस्तरद और पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन उम्र भर के लिए नाअहल। इसी मौजू पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज मैं पूरी कौम को अपने दिल की कैफियत सुनानी चाहता हूँ। जी जी जी, सुनिए जी। क्या बताऊं आपको कि इस वक्त दिल की क्या कैफियत है। जी सर, महसूस कर सकते हैं। अब सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो अदालत के फैसले की। इमरान खान के खिलाफ अपील मुस्तरद होने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं या तरीन साहब की नहली पर? सोनिया कोई गल गोल भी नहीं दे। अब खुल के बात करें। मैं खुल के बताना चाहता हूं अपने दोस्तों को, अपने हलके के लोगों को, अपने प्यारे पाकिस्तान के लोगों को। जी। आज वो फैसला हुआ है जो शाह महमूद के दिल की आवाज थी, दिल की तमन्ना थी, सवाल दिल की ख्वाहिश। सवाल मेरा फिर वही है कि दो फैसले हुए हैं, एक हुए इमरान खान के बारे में, एक वो तो हो गया, वो तो हो गया। तो फिर आप जहांगीर तरीन की नाहली की बात कर रहे हैं ना? वो भी हो गया, वो भी हो गया। देखिए शाह साहब, ये बात तो जुबान ज़दे आम है कि पीटीआई के अंदर आप और जहांगीर तरीन दो अलग अलग ग्रुप तसव्वुर किए जाते हैं, इसलिए खुल के बात करें आप। हाँ। कोई ग्रुप नहीं हमारा, अब हम सब एक हैं। अब एक है ना, इसी बात की तो खुशी है। हम पीटीआई में आपको हर तरफ शाह महमूद कुरैशी ही नजर आएगा, बल्कि इमरान खान के दाएं तो नजर आता था शाह महमूद, अब बाएं भी शाह महमूद ही नजर आएगा। पांच मिनट इधर बैठांगा, फिर उठ के पांच मिनट इधर, फिर पांच मिनट बाद पुड़क के इधर। हम तो सी शाह महमूद दिया पुड़कनियों देखना। जी आप जरा सोचे, आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नाहल हो गया है। सेक्रेटरी जनरल तो मिल जाता है मगर जहाज नहीं मिलता। खान साहब एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाएंगे आप? इसी बात की तो हमें खुशी है, जुनैद आज तुम्हें दिल की बात बताने लगा हूं, इसी बात की खुशी है कि ये शख्स इमरान को जहाज में लेके निकल लेता था और हम सब मुंह देखते रह जाते। अच्छा, हम पांच छह घंटे का सफर ऐसे ही करते थे। आप ऊपर देख रहे होते थे, नीचे से आपकी पराडो गधा गाड़ी में लग जाती। तो और क्या, और ये शख्स इमरान को बताता था भज्जिया जे शाक होती है और मंजिल पे खुद पहले पहुंच जाता था और हमें फोन पे चढ़ाता था, शाजी कुर्सियां लग गई आने आ जाओ कितने खज्जल हो रहे। अब शाह महमूद स्टेज पर बैठ के इसे फोन मिलाया करेगा, अरे जलसा शुरू हो गया है, टीवी लगा ले सोनिया। और उनते मेरी कल्ले दी हुई तकरीर है इसलिए बहुत लंबी है। नाल पकौड़े पकूड़े कटवा ले। अच्छा शाह जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे। देखिए अब पीटीआई इस बात की तो इखलाकी तौर पर पाबंद है ना कि वो जहांगीर तरीन साहब को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर ना रखे, क्योंकि यही आप लोगों का मौकफ था कि नवाज शरीफ नाहली के बाद पार्टी के सदर नहीं बन सकते। हाँ। तो जब सदर नहीं बन सकते तो दूसरा बंदा सेक्रेटरी जनरल भी नहीं बन सकता। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी की है, इस पे आप 15-20 प्रोग्राम कीजिए। बहुत अच्छी।
सकते थे और हो सके तो कैमरे की तरफ मुंह करके इमरान को मुखातिब करके बताइए। इमरान खान ने तो कहा था कि अगर मैं नाहल हो गया तो मैं पार्टी सदारत छोड़ दूंगा, बल्कि सियासत ही छोड़ दूंगा। ये देखिए तो, हाँ। उनसे कहिए कि अब जहांगीर तरीन का बन के सियासत चढ़े। इसलिए कहीं कोई शख्स ये शोशा ना उठा ले कि अगर नवाज शरीफ ने सदारत नहीं छोड़ी नाहल होकर तो खाक में बदहन जहांगीर तरीन को भी ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए। किमें लिखना खाकी बदन जिम्मे मर्जी लिख लू इजाजत अच भावे पहले खाकम लिख ले बाद बदम लिख ले पहले बदम लिख ले बाद खाकम लिख ले बेशक दुआन लुडो की डब्बी पा के इंजन करके जो भी आवे तेरा जो भी आवे तेरा एक आवे भावे छे आवे तेरा सोनिया। शाह जी क्या कर रहे हैं आप? शाह जी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें गाना लगा हुआ है? शाहजी खुदा के लिए प्लीज। शाहजी बाकी के साथ आप अदालत में नहीं गए? चल दी अदालत छत नहीं दे दा सोनिया। मेरा मतलब है कि जब अदालत में केस चल रहा था उस वक्त शाह महमूद घर में जाय नमाज बिछा के बैठा हुआ था, दुआ गो था। दोनों के लिए दुआ की थी? जाहिर है दोनों के लिए दुआ गो थे। नहीं, दोनों के लिए एक ही दुआ की थी। एक ही कैसे हो सकती है? एक चेयरमैन है एक जनरल सेक्रेटरी है तो लफ्ज तो बदलने पड़ेंगे। नहीं, ज्यादा या कम तो हो सकती है, दुआ एक ही थी दोनों की। दोनों के लिए एक ही दुआ की थी कि है मेरे परवरदिगार दोनों का फैसला शाह महमूद के हक में बेहतर करना। पहले आपने ये दुआ क्यों नहीं की कि या अल्लाह वो फैसला कर रहा है जो पीटीआई के हक में बेहतर हो? पीटीआई नाम है शाह महमूद का। क्या कह रहे हो? शाह महमूद नाम है पीटीआई का। वारे वारे। इसलिए लफ्ज शाह महमूद इस्तेमाल कर लो या पीटीआई इस्तेमाल कर लो, बात तो एक ही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा शाह जी, वैसे अजीब सी सूरत हाल है। नून लीग कह रही है, आज नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान सामने आया है कि वो जहांगीर तरीन की नाहली के फैसले पर बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने खुशियां देखी है कि अपनियां खुशियां देखी? ऐ दे विचो 10-12 नहीं तानू की सुना बैठा। अज खुशियां दे नाल सानू चढ़ गए ने हाल। और वैसे भी हम किसी नून लीग के लीडर की बात नहीं सुनते, वो साद रफीक हो या पारफीक हो। पारफीक कौन? रफीक रजवाने की गल कर रहे हो। रजवाना साहब पारफीक कैसे हो गए? आप कभी भी रजवाना साहब के चेहरे की तरफ देखिएगा, आपके मुंह से ला मुहाला यही निकलेगा, ध्यान नाल पारफीक अगे टोया ही। तो भाई ला मुहाला लिखना है, आप पहले मोहल्ला लिख रहे हैं। भाई उन्होंने क्या, जो मर्जी लिख ला, जो मर्जी लिख ले मगर अहले मोहल्ला ना ना लिख ले। गल एक बंदे दी हो रही है तू सारा मल्ला भी छुपा लिया। अच्छा शाह जी, आप क्या मशवरा देंगे जहांगीर तरीन साहब को इखलाकी हवाले से? देखिए इखलाकी तौर पे तो अब जहांगीर तरीन साहब को चाहिए कि जहाज के डैशबोर्ड में से अपनी ऐनक और लता की केस्टें निकाल के जहाज की चाबी ओम चौधरी को दे के घर चले और उसको ये भी बता जाएं कि अद्दी टैंकी पेट्रोल हल्ले है। जहाज उनका जाती है, कितना चेयरमैन पीटीआई ने उसे इस्तेमाल किया है, अब जहाज उनका नहीं रहा। ये कैसे हो सकता? अब ये जहाज आवाम की नजर में, हमारी नजर में पीटीआई का हो चुका है। कैसे? ये जहाज पीटीआई के चेयरमैन के सफर की अलामत बन चुका है। अब इसमें चेयरमैन साहब को ही चाहिए कि वो सफर करे। पिछली सीट से सानू ही बालन ते अच्छी गल। पिछली सीट पे तो सेक्रेटरी जनरल बैठेगा ना, जाहिर है जो भी हो। चले अगर पिछली सीट पे सेक्रेटरी जनरल ने बैठना है तो फिर हमें पहले सेक्रेटरी जनरल बना ले। अब सेक्रेटरी जनरल का भी उम्मीदवार है? हमें सेक्रेटरी जनरल बनने का कोई शौक नहीं।
हमें सिर्फ इतना शौक है कि जहाज च बैठ के उत्तो थले करी जहांगीर तरीन नु खोती रेड़ी च वजदा वेखे जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बैठ के नीचे तरीन साहब को देखेंगे क्या बात कर रहे हैं बदले तो फिर इसी तरह लिए जाते अच्छा आज बिलावल भुट्टो ने इस फैसले पे क्या बयान दिया सुना आपने क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा है कि पीटीआई की एटीएम खराब हो गई माफ कीजिएगा उस खूबसूरत नौजवान ने क्या खूबसूरत बात की चूंकि हर तरफ यही गुफ्तगू सुनने को मिलती थी अच्छा तो फिर क्या कहती है कि जुबान खल्क को नकाराए खुदा समझो जुनैद साहब हमारे दिल से पूछिए कि हमें किस बात की खुशी है हमारे अंदर जान के देखिए कि किस लिए हमारे अंदर लड्डू फूट रहे किस बात के इमरान खान के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद होने की और किसी बात के नहीं और भी सज्जे कभी ध्यान मार लो आप खुद भी माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी है आपको तो अंदाजा है ही शरी खुल के कहें कि आप जहांगीर तरीन की नहली पर बहुत खुश है यकीन मानिए शाह महमूद जहांगीर तरीन की नाहली पे खुश नहीं तायात पे खुश है अच्छा शाह जी अब आपकी जो इलाकाई सियासत है जनूबी पंजाब उसको आप किस नजर से देख रहे हैं जुनैद साहब जनूबी पंजाब की सियासत में तगैर व तबदल लाजम ठहरा तगैर व तबदल नहीं उन्होंने कहा जिन्हें मर्जी लिखा जाए एडा भी बेड़ा गलत ना कर दिया तगैर व तबदल सही लिखना पड़ा क्योंकि ये जनूबी पंजाब की सियासत का मसला है जहां शाह महमूद की बिला शिरकते गैरे चलेगी अब शाह महमूद जनूबी पंजाब की सियासत के फैसले करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में फतह के झंडे गाड़ेगी अच्छा शाह जी एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल किस्म की सिचुएशन अगर कल इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाते हैं और पार्टी का चेयरमैन वो जहांगीर तरीन साहब को बना देते हैं फिर मुंह ना चंगा हो गलती चंगी कर फर्ज करे या एक गल ही चंगी कर ली दी है तो दो ही गलत कर देती ने क्या मतलब पहली बात तो ये है कि अगर वजीर आजम इमरान खान ने ही बनना है तो हम क्या यहाँ पे सोआ वाली कुज्जी रख के मूंगफली बेच रहे हैं और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इमरान खान को वजीर आजम बना दिया है तो फिर आप चेयरमैन जहांगीर तरीन को बना रहे हैं तो हम क्या थे सुआली कुज्जी रख के मूंगफली बेच रहे हैं जी दोनों दफा आप सुहा वाली कुजी रख के मूंगफली बेच रहे हैं बंदे नु एक ही सौदा लाना चाहिए वो क्या शायर कहता है कि वे सोने दिया कंगना सौदा इको जा दिल देना दिल मंगना सौदा फिर इको जा जी ये गाना रहने दो हुई सुनाओ फिर सुन दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे